सिलाई तो खोल चुका है, तो टीचर्स देगा ही नहीं देगा वो मालूम ही है। बेटी को मिलना इतना दिल हो रहा ना, मत पूछो यार। और सिलीगुड़ी से निकलते से माँ को छोड़ के आने में तकलीफ हो रहा था, एक साइड छोड़ के ना आने में। परिवार तो है मगर क्या बोलूँ यार, कहानी अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल से सीधा निकलूंगा कहाँ के लिए वो आपको मैं रास्ते में चलते चलते बोलूँगा। और चेक करेगा साइमन क्या कर रहा है, बैल खोल के बैठा है, बाल खोल के। तो अभी फिलहाल लोड देख के भी पता लग गया होगा कहाँ जाने वाला हूँ, तो चलो रास्ते में बोलता हूँ। और दीदी क्या कर रहा है पता नहीं, दीदी भी इतना बिजी है यहाँ पर ना, काम चल रहा है तो इसको वजह से। सो गाइस दीदी भी रेडी हो गया, इतना हड़बड़ी हो रहा है दीदी का भी, काम बहुत ज़्यादा है। और फिर मिलेंगे है ना दी, क्या बोलेगा तो बोला सब्सक्राइबर को सो अभी आ लेना। तो अभी हम भी निकलेंगे यहाँ से, और दीदी का भी बहुत ज़्यादा काम है, वो भी निकल रहे कलर लेने के लिए। तो दीदी का यहाँ पर काम है और मेरा भी, क्या करेगा शेड्यूल ही ऐसा हो गया ना, हड़बड़ी हड़बड़ी वाला शेड्यूल है सब। और दीदी ने खाना बना दिया, खाना खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी रास्ते में जाते, मिलते हैं फिर। क्या भाई क्या रे वीडियो इम्पोर्टेंट। सो फाइनली अब यहाँ से भी निकल रहा हूँ, और मम्मी का हालत ठीक है फिलहाल। तो बहन बैठ रहा है अभी वहाँ पर, तो मैं निकल रहा हूँ अभी स्टेशन के लिए, तो मम्मी रहेगा इधर। और साइमन ठीक से करना ठीक है काम लोग, झाड़ू पहुँचा। सो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट स्टेशन की तरफ, और स्टेशन में जाके रुकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है रे भाई, सच में यार बहुत थक चुका है यार कसम से। और साइमन का हालत देखो, लौट। और हॉस्पिटल से भी पता नहीं क्या होने वाला है, टीचर्स कल मिलेगा नहीं, माँ को कल देगा बोला था टीचर्स, तो वो तो फिलहाल मालूम नहीं है। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ है, ट्रेन में बैठने के बाद आप लोग को बोलता हूँ। और यहाँ देखो भीड़ इतना ज़्यादा है भीड़। तो साइमन अब निकलने वाला है, तो ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है फॉर, कितना बज चुका है रे, 419 बैटरी कम है बैटरी। लो जा बाय बाय भाई, घर वगैरह कॉल कर। सो साइमन चला गया अभी, तो क्योंकि ट्रेन आने में टाइम लगेगा अभी, और 5 जितना बजेगा होगा, तो इसलिए साइमन को भेज दिया, अभी बैठते एक ले। मेरा इधर ही है, जब भी मेरा तो पता नहीं क्या है, M1 में पढ़ते रहता है यार टिकट, M1 कभी छोड़ता नहीं, जब भी सिलीगुड़ी आता हूँ तो M1 ही में मिलता रहता है। अभी बज चुके 5:35, ऑलमोस्ट कितना 1 hour 45 minutes से लेकर चुका है। तो अपने यहाँ से निकलते सीधा
next day. Good morning, guys. So finally, हम पहुंच चुके हैं दिमापुर. अब यहाँ से सीधे घर चलते और अपना धनु को लेते और सीधा चलते पापा के लिए. प्लेटफॉर्म नंबर 1 में रुकने से ठीक है यार, मगर प्लेटफॉर्म नंबर 3 में उतर आ गया है. सो निकलते यहाँ से. सो अभी हम पकड़ गए लोकल ऑटो जो कि इसमें जाने वाला हूँ, और स्टेशन यहाँ से जाता है, मगर मैं आया यहाँ से. अब अराउंड अभी बज चुका है 7:30, चेक करो. तो मैं होगा बहुत ही समय तो लगेगा होगा, शाम को जाएगा होगा, शाम को 2-3 बजे पहुँचूंगा होगा. तो धीरे घर चलते और थोड़ा रेस्ट करते, व्हाट्सअप करते, उसके बाद फिर ओका के लिए निकलते हैं. तो अब निकल रहे हैं यहाँ से और देखते हैं क्या होगा. अभी तो फिलहाल तो मैं हायर के हूँ, हायर बोलने से भी पैसेंजर मिलने से उठाऊँ नहीं हुआ तो फिर मैं खुद पे करना पड़ेगा. तो आई थिंक 250 में हो जाएगा ना, क्या हो गया. तो ठीक है, सो देखते हैं. सो फाइनली अपना धनु में बैठ चुका हूँ मैं, और दीदी का घर से गाड़ी ले लिया. अभी मम्मी का भी अभी फ़ोन आया था कि सिलाई तो खोल चुका है, तो टीचर्स देगा ही नहीं देगा वो मालूम नहीं है. तो साइमन और जो बहन था, आप लोग ने देखा होगा आगे पे, तो वो दो जने अभी देखते हैं शाम तक टीचर्स हुआ था. ठीक है, क्योंकि मेरे को भी इमरजेंसी निकलना पड़ा क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इधर बराबर काम है मेरा वोट देने के लिए, तो इसका वजह से आया. और ऊपर से फिर बहन का शादी भी है, इधर बेटी भी पड़ता है उसका भी है. तो अभी कुछ नहीं कहते, फटाफट घर चलते हैं, घर जाके बेटी को मिलते हैं. बेटी को मिलना इतना दिल हो रहा ना, मत पूछो यार. और सिलीगुड़ी से निकलते से माँ को छोड़ के आने में तकलीफ़ हो रहा था. एक साइड से खुशी था कि चलो मैं घर जा रहा हूँ बेटी के साथ फाइनली, फिर एक साइड से दुख हो रहा था कि माँ को अकेला छोड़ के ना आने में. परिवार तो है मगर क्या बोलूँ यार, कहानी आस्ते आस्ते मैं आप लोग को बोलूँगा सब खाने जब अलग सा ब्लॉग बनाऊँगा इस रिगार्डिंग फॉर दिस. और चलो हाईवे का मज़ा लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं. कर लेते हैं, अभी आधी रास्ता पहुंच चुका हूँ. फिर अब करते हैं यहाँ पर और निकलते हैं यहाँ से. नहीं यहाँ पर पेट्रोल को 96 है यहाँ पर पेट्रोल का दाम. सो फिल अप करते हैं, उसके बाद फिर रफा दफा होते हैं. पेट्रोल है ना, पेट्रोल आ गया सर. हाँ इस वाले में पेट्रोल है क्या ये? हाँ पेट्रोल है. चलो यार फटाफट फ्यूल अप करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ. फ्यूल अप हो चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट. यार ज़्यादा का नहीं डाला, 1000 का सिर्फ डाला. कितना हो गया रे? 336 किलोमीटर जा सकेगा, इतना ज़रूरत भी नहीं है पेट्रोल का. यहाँ से ऑलमोस्ट अब मैंने तो 35 किलोमीटर तो आ चुका होगा अंदर. तो सो आगे देखते हैं कैसा होगा. आज को मौसम ना इतना मज़ा आएगा ना, देखो एक भी धूप नहीं लगा हुआ है, बहुत मस्त मस्त मौसम है आज. नहीं तो ना एनी टाइम जब भी अब आएगा ना, कसम से दिमापुर में गर्म के मारे. मैं तो ट्रेन से निकलते समय इतना टेंशन में था कि धूप ठीक से लगेगा तो हालात ख़राब होगा, मगर धूप लगा नहीं है इतना और मज़े ही मज़े है. अब यहाँ पर इतना का है तो हमें ऑब्वियसली ठंडा रहेगा आज. तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट घर की तरफ.
फाइनली हम पहुंच चुके हैं बोचा, तो अभी वेट कर रहे हैं ग्रीन चिली लेने के लिए, वर्ल्ड का स्पेशल चिली। सो गाइस जो ये दिखाई दे रहा है मेरे से, ये है वर्ल्ड का स्पाइसी चिली, इसको बोलते हैं किंग चिली। और बोचा मैंने से यहाँ से आके ले लेना गाइस। सो फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ मैं, और घर पे आने से ना सुकून ही अलग हो जाता है यार। अभी चलते हैं बेटी को मिलते हैं, और जस्मिन सामान नंबर आए उधर से, सामान नंबर आए। स्नो को देखो, स्नो को देखो, और कुछ दवाई लिया था उसके लिए तो वो ले लिया। अरे देखो, अरे मेरे चली को देखो, ना करिस ना उधर, बस चले चले के मैं अरे को कति दिन पछि किसी खानु पायो, कति दिन पछि किसी खानु पायो चलीलाई। चले हेलो बात खिलाना है, बाबा मिस करी करे ना, बाबा मिस करी करे ना, बाबा मिस करी करे ना। चेक कर रहे गैस अपना बेटी गोप्रो को देख रहा है, गोप्रो को देख रहा है ना, बाबा को हेरे को। आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छा लगा था, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। दिस इज रोलिन थबा, बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय 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 बना बाय बाय।